हेलो आप सभी का स्वागत है हमारी एक और रिव्यू वाली वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं Realme Narzo 70 का, जो कि एक 5G फ़ोन होने वाला है। तो क्या हमें इस फोन का पूरा क्लासिफिकेशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है, कैसा ये फ़ोन होगा, सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आप समझ लगे अंत तक बनी रहिए और चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहाँ में सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर है और मैंने देखिए मोबाइल को अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो ये Realme का Narzo 70 होने वाला है। आप इसका लुक देख लीजिए, तो कुछ इस तरह के लुक में ये होने वाला है। बढ़िया, पीछे देखिए यहाँ पे Narzo और Realme इसकी ब्रांडिंग हो रखी है और काफ़ी शानदार, मतलब एक टाइप से बोला जाए तो प्रीमियम फ़ोन है ये। काफ़ी स्टाइलिश इस फ़ोन को डिज़ाइन किया गया है और इस फ़ोन में देखिए नोच भी नहीं है, इनबिल्ट कैमरा आ रहा है डिस्प्ले में, ठीक है। तो काफ़ी शानदार ये फ़ोन होने वाला है। हमें सारा कुछ इस फ़ोन का देखते हैं, इसमें क्या क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है इस फ़ोन में। तो जो इसका कलर होने वाला है, कलर की बात करूँ, इसका कलर का नाम है स्काई ब्लू, द आइस ब्लू करके इसका कलर है। तो काफ़ी शानदार कलर ये देखने में लगेगा। पीछे देखिए आप, यहाँ देख सकते हैं ट्रिपल कैमरा है इसमें और यहाँ पर ये फ्लैश दिया हुआ है। तो काफ़ी शानदार इसको डिज़ाइन किया गया है। मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, देखिए ये फ़ोन जो है स्लिम भी काफ़ी है, काफ़ी थिक इस फ़ोन को डिज़ाइन किया गया है। फ़ोन अपने हाथ में रखेंगे तो आपको फील भी नहीं होगा। मैं अभी आपको बीच में इसका वेट भी बताऊंगा कितना वेट होने वाला है। तो आप टॉप से देख सकते हैं इस तरह का है ये, और ये बॉटम से देख सकते हैं यहाँ पे सी टाइप का इसमें चार्जर लगेगा, सिम वगैरह यहाँ से लगेगी इसमें, ठीक है। तो काफ़ी शानदार ये फ़ोन होने वाला है और अब इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली है थोड़ी उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इस फ़ोन में देखिए हमें डिस्प्ले हर्ट्ज मिलने वाला है भाई, रिफ्रेश रेट तो इसमें 120Hz का हमें रिफ्रेश रेट मिलेगा। काफ़ी बढ़िया एमोलेड डिस्प्ले है इसकी, ठीक है, 120Hz के साथ। तो काफ़ी शानदार इसमें गेमिंग एक्सपीरियंस आपका होने वाला है। अगर आप इस फोन से गेमिंग करते हैं तो बहुत मज़ा आएगा आपको, जो गेमिंग रिफ्लेक्सेस वगैरह होंगे वो आपको काफ़ी स्मूथ रहेंगे और मतलब मज़ा, बस आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है खेलने में। काफ़ी फास्ट ही फ़ोन रहेगा क्योंकि डिस्प्ले रिफ्रेश रेट जो है इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा दिया हुआ हमको, ठीक है। और यही मैं अगर बात करूँ, इसमें देखिए 5000mAh की मैसिव बैटरी दी है, इतनी बड़ी बैटरी दी है, तो इसके लिए जारी सी बात है फास्ट चार्जर भी दिया होगा। तो वो कितने वाट का होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लगभग शायद 45 या 50 वाट का होगा, तो अभी हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो 5000mAh की इसकी मैसिव बैटरी दी है, बहुत बड़ी बैटरी दी है, उसके लिए चार्जर भी बड़ा होने वाला है। अब इसमें ओरिजिन डिज़ाइन दी है, जो इसका 7.69mm की इसका जो भाई डिस्प्ले साइज़ है, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन दिया है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ, देखिए अप टू 8GB से 8GB, मतलब आप इसको 16GB रैम कर सकते हैं, ठीक है। तो 8GB रैम इसमें आ रही है और 8GB आप इसकी वर्चुअल रैम बढ़ा सकते हैं। तो काफ़ी शानदार ये चीज़ इन्होंने इसमें भी दे दी है। आजकल ये तो चल ही रहा है, लगभग हर फ़ोन में ये चीज़ आ ही रही है। 8GB रैम अगर आती है तो उतनी आप वर्चुअली ऐड कर सकते हैं, जब किसी में 12 आती है तो 12 बढ़ा सकते हैं। अब इसमें यहाँ इन लोगों ने ये कर दिया है कि 8GB रैम दिए तो 8 आप वर्चुअल कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे 16GB रैम का मजा आएगा यहाँ पे, ठीक है। 16GB रैम आप कर पाएंगे आपके फ़ोन में। चिपसेट की बात करूँ तो भाई चिपसेट काफ़ी अच्छा दिया है इसमें, डायमेंसिटी 7050 दिया हुआ है, जो कि 5G है, ठीक है। तो फास्टेस्ट चिपसेट इसमें दिया गया है और सेगमेंट स्मार्ट 5G फ़ोन है ये, तो ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया ये 5G फ़ोन होगा क्योंकि इसमें चिपसेट भी काफ़ी अच्छा दिया है, चिपसेट मतलब इसे प्रोसेसर इतना अच्छा दिया हुआ है, तो गेमिंग तो काफ़ी अच्छी होने वाली, क्योंकि रिफ्रेश रेट जो है इसमें 120Hz का है और चिपसेट मतलब जिसका प्रोसेसर है वो है 7050 दिया है। तो बहुत बढ़िया आपको मतलब गेमिंग एक्सपीरियंस मीडिया का फ़ोन तो वैसे भी इसमें चलेगा, मल्टीमीडिया का मामले तो एक नंबर होने वाला है, क्योंकि अगर आप कोई मूवी वगैरह इसमें देखते हैं तो भाई एमोलेड डिस्प्ले है तो अलग ही लेवल का आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब मैं जैसे आपने बताया था आपको कि यहाँ पे 5000mAh की इसकी बैटरी है, तो इसके लिए देखिए 45W का सुपर बुक चार्जर दिया गया है। तो काफ़ी फास्ट चार्जर यहाँ पे दिया गया है, जो कि 27% आप 27 मिनट में आपके फ़ोन को 50% चार्ज कर देगा, मतलब बोल रहा ठीक है, 50% फोन आपका चार्ज हो जाएगा जब 27 मिनट में, काफ़ी कम टाइम ले रहा है। और इसी में आपको देखिए भाई लार्जेस्ट स्टोरेज मिल रही है 256GB की, ठीक है, इंटरनल स्टोरेज इसका 256GB होने वाला है और मे भी आप इसको एक्सटेंड भी कर सकेंगे शायद करना चाहें तो, 256GB इनफ होता है। बहुत बढ़िया इसमें मतलब आपको उनका इंटरनल स्टोरेज दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और यहीं पे आप देखिए 50 MP का
कलर एआई कैमरा दिया हुआ है 50 मेगापिक्सल का, तो काफ़ी बढ़िया दिया है। ठीक है, कैमरे की बात करेंगे क्योंकि इसमें ट्रिपल कैमरा है, तो इनकी बात भी हम थोड़ा डीप में करेंगे। और इसमें 80 मंथ का फ्लुएंसी सर्टिफिकेट भी आ रहा है इसके साथ, 48 मंथ का, ठीक है, 48 मंथ का। अब इससे क्या होता है, ये तो भाई ट्यूब सर्टिफाइड, तो सर्टिफाइड सेक्शन दे रहा है, तो हमें बहुत अच्छी चीज़ दी है इन लोगों ने इसमें। अब यहाँ पे देखिए, जो इसमें स्काई ब्लू कलर की बात मैं कर रहा हूँ, 6 GB रैम में भी ये फ़ोन है, ये तो इसका एक वेरियंट और है 8 GB रैम में, वो भी आप देख सकते हैं। जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो है 6 GB रैम में और 128 GB इसमें इंटरनल स्टोरेज दिया हुआ है। ठीक है, इसका प्राइस जो है पड़ रहा है 15,999 का, और अगर जो 8 GB वाला होगा, ठीक है, 8 GB 128 में, उसका पड़ेगा 16,999 प्राइस का पड़ेगा, तो इसमें 1,000 रुपये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यही वाले की बात करते हैं अपन। अब यही मैं अगर बात करूँ इसमें, ये बता दिया मैंने आपको 120 का डिस्प्ले, तो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है इसमें, होता 45 का चार्जर है इन बॉक्स, तो बॉक्स में ही आपको चार्जर साथ में मिलेगा। आजकल ये होता है कि फ़ोन में चार्जर नहीं मिलता अपन को देखने को, तो इसमें 45 वाट का चार्जर यहाँ पे आपको खुद ही मतलब बॉक्स में ही देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ भी इन लोगों ने इसमें बढ़िया दी है, तो मतलब करीब करीब 16,000 रुपये का फ़ोन पड़ेगा अगर 6 GB रैम में आप लेंगे। और अपन देखते हैं नीचे, मतलब कंपनी ने क्या क्या चीज़ ऐसी एडवर्टाइज़ करी है इसमें। तो द फास्टेस्ट फ़ोन है, अल्ट्रा 50K करके दिया है, देखिए क्योंकि रिफ्रेश रेट अच्छा दिया है, तो ये काफ़ी फ़ोन फास्ट होने वाला है। वो चिपसेट भी इसमें 7050 दिया हुआ है, 5G प्रोसेसर दिया हुआ है इसमें, ये चीज़ मैंने आपको बताई अभी यार। ठीक है, और इन लोगों ने किस चीज़ को एडवर्टाइज़ किया है, तो अल्टीमेट 5G चिपसेट होने वाला है इसका। और यहाँ पे देखिए अल्टीमेट थर्मल डिस्प्ले दी है 120Hz के साथ, इसकी बात भी मैंने आपसे करी। अल्टीमेट यहाँ पे प्रोसेसर चार्जर दिया है 45 वाट का, तो एक फास्ट चार्जिंग आपको यहाँ पे होगी, 5000 mAh की बड़ी बैटरी है, उसके लिए एक बड़ा चार्जर भी दिया हुआ है इन लोगों ने, बड़ी बैटरी बड़ा चार्जर, मैंने अल्टीमेट होराइजन डिस्प्ले दी है जो कि बताया मैंने आपको। और कैमरे का डिज़ाइन बैक साइड से काफ़ी शानदार दिया हुआ है, और यहीं पर देखिए इसमें अल्टीमेट AI कैमरा दिया है 50 MP का के साथ, और द अल्टीमेट डायनेमिक रैम दी है इसमें, आप बढ़ा सकते हैं 16 GB तक, 256 GB तक स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। फ़ोन का वेट मैंने आपको नहीं बताया, तो वेट ही बता दूँ, इसका वेट जो होने वाला काफ़ी लाइट वेट ये फ़ोन होने वाला है। ये फ़ोन बस आपको पड़ेगा 188 ग्राम का, ये फ़ोन आपको हाथ में फील होगा, तो मतलब 200 ग्राम का भी फ़ोन पूरा नहीं है, तो काफ़ी कम इसका वजन होने वाला है, तो आपको हाथ में बिल्कुल भी ये फील नहीं होने वाला है, तो काफ़ी लाइट वेट ये फ़ोन होने वाला है। और इसमें इन लोगों ने देखिए मैंने बोला था ट्रिपल कैमरा दिया है, थोड़ी इसकी बात कर लूँ, तो इसका प्राइमरी कैमरा होने वाला है वो 50 MP का होने वाला है, जिसमें सारे मोड आपके होने वाले हैं, नाइट मोड, जो स्ट्रीट मोड होते हैं, फोटोग्राफी मोड, सारे मोड आपको यहाँ पर देखने के मिलेंगे। ठीक है, तो कैमरा काफ़ी शानदार इसका होने वाला है। सेल्फी कैमरा कितना है इन लोगों ने कहाँ पर मेंशन किया है, वो इधर नीचे ही देखना पड़ेगा सही, सेल्फी कैमरा कितना होने वाला है इस फोन का। अदर कैमरा जो है रियर फ्रंट में कैमरे दिए हुए हैं, वो सारे डिजिटल कैमरे ही होंगे, जो बैक कैमरा है प्राइमरी लोन उसी डिज को मतलब एडवाइस किया है, तो काफ़ी शानदार कैमरा इस फोन का होने वाला है 50 MP का। ठीक है, बाकी इसमें जो फ्रंट कैमरा कितना है उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो मैं आपको वो बता भी नहीं सकता, तो फ़ोन काफ़ी शानदार ये होने वाला है, मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए यहाँ पे अमेजोन से आप बाय करेंगे, तो आज की डेट में भाई मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 15,999 का प्राइस है, और इसमें 1,000 रुपये का कूपन अप्लाई हो रहा है, तो ये फ़ोन आपको 15,000 रुपये में मिल जाएगा, तो काफ़ी लाइट वेट ये फ़ोन होगा और काफ़ी लाइट प्राइस में आपको मिलने वाला है। तो अगर आप कोई फ़ोन लेने के लिए देख रहे हैं, जरूर से इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा फ़ोन है ये, और मेरी वीडियो को शेयर भी कीजिए उस बंदे को, चूँकि अभी फ़ोन इस बजट में फ़ोन लेने के लिए अभी रिसर्च कर रहा है, तो उसको शायद ही समझ में आ जाए। तो अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।